हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मेडिकोच। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बीएससी नर्सिंग के कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, कितनी सीटें हैं और क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसमें के बारे में हमने पहले वीडियो बनाई थी। बहुत सारे बच्चों के ये भी कॉमेंट आ रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन लेना है, कितने मार्क्स होने कंपलसरी है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है, कितनी सीटें हैं, क्या फीस रहने वाली है, ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल 40 या 45 के अप्रोक्स प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो PGIMS रोहतक के अंडर हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन कॉलेजेस के अंदर फीस क्या रहने वाली है, फीस क्या होती है, तो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बीएससी नर्सिंग की फीस की बात करें तो 1 लाख के अप्रोक्स होती है। 1 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर, थोड़ी बहुत नीचे हो सकती है, वो कॉलेजेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले CET एग्ज़ाम के अंदर हमारे 30% मार्क्स होने कंपलसरी हैं, तभी हम इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद क्या है कि एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, इसमें सेम वही रहेगा जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सेम उसी प्रोसेस से इसके अंदर भी एडमिशन होगा। हमें भी काउंसलिंग में पार्ट लेना पड़ेगा, हमें चॉइस फिलिंग के अंदर प्राइवेट कॉलेज को फिल करना होगा जो हमें लेना है, उसके बाद काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, जो भी होगा वो आपका PGI में होगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। PGIMS रोहतक के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी की जो लिस्ट है और उनकी जो सीटें हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से आप ये देख ले, ठीक है। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।